इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर योगेंद्र यादव पर नाराज भीड़ ने हमला कर दिया है। भाषण के बीच मंच पर ही 40 से 50 लोग पहुंच गए, उन्हें बोलने से रोक दिया गया। योगेंद्र यादव के साथ धक्का मुक्की भी की गई है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि गुस्साई भीड़ के साथ योगेंद्र यादव उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगेंद्र यादव के साथ कथित तौर पर मारपीट भी हुई है। वहीं इन सब पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और कार्यक्रम को अंत में रोक दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर योगेंद्र यादव पर भीड़ ने हमला कर दिया है, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि गुस्साई भीड़ के साथ योगेंद्र यादव उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगेंद्र यादव के साथ कथित तौर पर मारपीट भी हुई है। वहीं इन सब पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और कार्यक्रम को अंत में रोक दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर योगेंद्र यादव पर भीड़ ने हमला कर दिया है, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मीडिया में मैं सुन रहा हूं कि वंचित अगाड़ी के कार्यकर्ता थे, ऐसा टीवी चैनल पे चल रहा है। हमारे स्थानीय साथियों ने कुछ शिनाख्त किया है, मैं तो किसी को पहचानता नहीं हूं, लेकिन स्थानीय साथियों ने दो चार नाम लिए हैं, वो वंचित अगाड़ी के लोग हैं। और हमारे किसी साथी ने पूछा कि अरे भाई तुम लोगों ने क्यों करवाया, तो उनको एक आदमी ने कहा भाई क्या करें, साहब का आदेश था। मैं नहीं जानता कौन साहब, मैं नहीं जानता कि व्यक्ति कौन कौन है, मैं नाम से नहीं पहचानता। लेकिन अगर वंचित अगाड़ी के लोगों ने ऐसा किया है तो मैं तो बहुत हैरान हूं। योगेंद्र यादव बहुत छोटा आदमी है, उस पर आपने हमला नहीं किया, आपने बाबा साहेब के संविधान पे हमला किया है। आपने जिस लोकतंत्र की दुहाई आप दिन रात देते हैं उस पर हमला किया है, और आपके नेता प्रकाश अंबेडकर को आपने शर्मिंदा किया है। क्योंकि इसके बाद आप प्रकाश अंबेडकर से पूछ लीजिएगा, पिछले 15 वर्ष से प्रकाश अंबेडकर कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि हम मित्र हैं, व्यक्तिगत मित्र हैं। मेरे लिए तो एक कल्पना से बाहर है कि मत भिन्नता होने की वजह से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रकाश जी की जो लाइन है और हमारी जो सोच है वो अलग है, लेकिन मत भिन्नता के चलते ऐसा हमला करवाया जाएगा, मेरी तो कल्पना से बाहर है। मैं कम से कम प्रकाश अंबेडकर को ऐसा व्यक्ति नहीं समझता जो इस तरह की हरकत करवा सकता है। मैं तो यही कहूंगा, अगर वंचित बहुजन अगाड़ी के कार्यकर्ताओं ने किया है, किसी भी समझ में किया है, किसी के भी बहकावे में किया है, तो उसने प्रकाश अंबेडकर को भी शर्मिंदा किया है।